नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास होता है क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है और ऐसे में दही चूड़ा के भोज पर बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी इसके संकेत भी हमेशा देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार कोरोना की मार की वजह से कई जगहों पर सियासी गलियारों में ये दही चूड़ा भोज का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें जेडीयू के नेता जय कुमार सिंह के यहाँ से आ रही है और वहाँ पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। इस दरमियान जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी कि वशिष्ठ नारायण सिंह भी वहाँ पर पहुँचे और बिहार के सियासत के कई सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर मीडिया से बातचीत की। इस दरमियान अगर हम नई सरकार के बनने की बात कहें तो जिस प्रकार विपक्ष की ओर से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि 2021 में एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा से चुने जाएंगे और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अब इसको लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह ने खुलकर बोला और ये कहा कि दिन में स्वप्न देखना पूरी तरीके से विपक्ष को बंद कर देना चाहिए, वो कल्पना की सागर में डूबे हुए हैं क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सातवीं बार शपथ भी ले लिया है, लेकिन किस प्रकार विपक्ष इन बातों को कह रही है ये तो बिल्कुल दिन में जिस तरीके से ख्याली पुलाव बनाना कहते हैं वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अपराधों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं और वो एक्शन लेंगे और ये जो हाई प्रोफाइल केस सामने आया है खास करके रुपेश कुमार सिंह की बात करें तो उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर जो कुछ भी होगा जल्द ही वो सबके सामने जांच के बाद सामने आ जाएगा। इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। क्या बात, आपके यहाँ से यहाँ कितना आवेदन बदला है? देखिए और कोरोना के चलते ही इस बार हमने नहीं इसको किया, क्योंकि हम मानते हैं कि वर्ष के प्रारंभ ये भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा काम जो समाज का होता है वो संक्रमण खत्म होता है और सूर्य का प्रभाव भी जाता है, तो ये पर्व खरवास को लोग मानते हैं कि खरवास जिस दिन ख़त्म हो, और इसकी विशेषता सबसे ज़्यादा यही है कि जब किसानों के घर में अनाज चला आता है तब यह पर्व मनाया जाता है। आ यही एक ऐसा महोत्सव है देश में जो देश के कोने कोने में ये मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं खिचड़ी के नाम से और असम में बिहू के नाम से। तो ये शुभ काम जब शुरू होता है तो इस दिन से एक खाने पीने का माहौल इसलिए बनाया जाता है, इनमें सभी चीज़ें जो भारत में यानी इस देश के जमीन में पैदा होती है वही इसमें उपयोग होता है। राजनीतिक हलचल भी पड़ता है? राजनीतिक हलचल तो जब आप बहुत लोग मिलेंगे तो समाज में सभी तरह की बात होती है, अब इसी में देखिए सभी तरह के वर्ग के लोग इकट्ठा है। जय कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आयोजन किया इस ढंग का और सारे साथियों से मिलने का मौका मिला। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जदयू में बड़ी जीत होगी, क्या कुछ? देखिए महागठबंधन के लोगों का लगता है कि सपना ही खाली देख रहे हैं और सपना में अजीब अजीब तरह से उनको लगता है कि चुनाव को अभी तक भूल नहीं पाए और उनको लगता है कि अभी तक चुनाव ही चल रहा है, चुनाव में जितना कसरत करना था किए और अब कल्पना के सागर में जाने की जरूरत नहीं, अब तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, अब संतोष कर लेना चाहिए और रचनात्मक भूमिका विपक्ष के द्वारा जो अपनाया जाना चाहिए वह करना चाहिए। टूट फूट होगी बिहार में, बिहार में पॉलिटिकल टूट फूट होगा? देखिए हम लोग किसी पार्टी को तो हम लोग कम से कम
किसी पार्टी के तोड़ने में विश्वास नहीं करते, और जब तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ लोग जो इसमें विश्वास करते हैं अपने कारण से जो टूटता है हम नहीं करते, लेकिन हम लोग टूटने में तोड़ने में विश्वास नहीं करते। दादा खरमास खत्म हो रहा है, ऐसे मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे क्या, होंगे तो कब तक हो सकता है? हमको लगता है कि बहुत देर नहीं लगेगी, और चूंकि इस परिधि से हम अपने को बाहर इसलिए मानते हैं, सरकार तो मुख्यमंत्री जी गठन करते हैं, सहयोगी सब लोग मिल करके गठन करते हैं, आ स्वयं जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि बातचीत अब होगी और इसके बाद जल्द बीजेपी लिस्ट नहीं भेज रही है। देखिए उस पर तो मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, फिर हमको रिपीट करने के लिए। सर जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो कई सारे ऐसे नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, मांगी छोड़ के दूसरे पार्टी में टिकट मिला, अब वो तमाम लोग आज सूरत के मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या हर वापसी संभव है वैसे नेताओं का? अच्छा देखिए ना, क्या कहिएगा, ये वो न्यूज निकला है कि कांग्रेस के हारे हुए आदमी से दुए चार गो पहुँचे हैं, हारे हुए सारा आदमी तब जगह है सब ना इधर उधर देख रहे हैं कि वो आए ही नहीं, तो वो आना स्वाभाविक है, कभी रियलाइज हो जाता है लोगों को कि हमने गलती किया। कभी देखिए घर वापसी तो जिन लोगों ने भी विरोध किया उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो विरोध करने के बजाय वो कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छा बीजेपी के लोग जो जिस ढंग से अपराध की घटना हो रही है उसको लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं? देखिए एक साथ घटना के बीच निशाना इस पर चिंतित कौन नहीं है, यदि अपराध यही हुआ है मान लीजिए रूपेश तो वही चिंतित नहीं है, हम लोग भी चिंतित हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं हो इसके ऊपर सरकार सचेष्ट है, जागरूक है, और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।